दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आपको माता वैष्णो देवी कहानी भी सुनाई थी और वहाँ के बारे में जानकारी भी दी थी। अब हम रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। भैरव बाबा की स्टोरी भी बताऊंगा और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, लेकिन हम रोपवे से ऊपर जा रहे हैं ताकि भैरव बाबा के दर्शन हो जाए। तो ये रोपवे से दृश्य आप देख सकते हो भवन का और नीचे का अद्भुत नज़ारा, और आपकी धार्मिक यात्रा भी पूर्ण, माता के दर्शन भी हो जाते हैं और आपकी हिल स्टेशन की यात्रा भी, यानी एक साथ कई काज, और बहुत ही आध्यात्मिक सुकून शांति यहाँ मिलती है और आपकी सभी माता इच्छा पूरी करती है। ये रोपवे दो चलती है, एक आती है ऊपर से, एक ऊपर जाती है। तो यहाँ भी लाइन तो लगती है, लाइन तो भवन में हर जगह आपको उपलब्ध मिलेगी। तो दर्शन भैरव बाबा के करके, तो भैरव बाबा के बारे में स्टोरी बताता हूँ कि जब माता ने भैरव बाबा का भवन के पास सिर काटा तो वो 3 किलोमीटर ऊपर जाके गिरा। तो भैरव बाबा एक तांत्रिक बाबा था, तो सिर कटने के बाद उसने अपनी गलती का एहसास हुआ तो माता से प्रार्थना की, तो माता ने उसको आशीर्वाद दिया खुश होने के उपरांत कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा, जब तक आपके दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए भैरव बाबा के दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी है। तो ये रोपवे का अंतिम स्थान पर लगभग हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से भैरव बाबा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से आप बाबा भैरव का प्रसाद काउंटर में मिलेंगे, चाय पानी का प्रबंध भी यहाँ मिलता है। तो आप बाबा के दर्शन के लिए प्रसाद भी यहाँ से ले सकते हो। और ये रोपवे पे हम उतर चुके हैं, रोपवे से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बाबा भैरव का बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना मना है। तो ये बाहर छानजी चौपाल है, देखो भवन दरबार में माता के हम दर्शन करने बाद ये छानजी छत है। यहाँ से आपको अद्भुत नज़ारा, हर प्रकार का दृश्य आपको जो आप चाहिए वो आपको मिल जाता है। ये LED लगा रखे हैं जहाँ पर भवन का सीधा प्रसारण होता है, यानी आरती के टाइम आरती चलती है। ये भवन भी देखो, आपको दिख भी गया होगा। और ये अद्भुत लोग यहाँ पर रेस्ट भी करते हैं, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो सभी की यात्रा पूर्ण होगी और ये दृश्य आप देख सकते हो। यहीं से लोग सेल्फी भी लेते हैं, रेस्ट भी करते हैं, और नीचे हेलीपैड का दृश्य भी दिखता है। ये देखो बच्चे मस्ती करते हुए। तो ये सांझी छत के नाम से फेमस है। तो भैरव बाबा तांत्रिक थे, तो उनके ये यात्रा दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो आप पहाड़ों पे बादल ऐसे लगते हैं जैसे बादलों से ऊपर हम हैं। पीछे भी वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, ये बच्चों के साथ के दृश्य। तो थकावट तो हो ही जाती है, तो इतना लंबा सफ़र लगभग करना होता है। ये हेलीपैड का दृश्य आपको नज़र आ रहा होगा। तो भैरव बाबा के दर्शन और ये नज़ारा देखो अद्भुत, आपको नज़र बिल्कुल आत्मिक और शांतिक, मानसिक तनाव हर प्रकार की चिंता यहाँ आने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार आप सब भी अपने यहाँ दर्शन कर सकते हो, लेकिन यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है, आपको दर्शन करके यहाँ चलना पड़ेगा। रूम आपको नीचे मिल सकते हैं भवन में और अर्धकुमारी में। आगे मैं आपको अर्धकुमारी की वीडियो भी दिखाऊंगा और उसके बारे में थोड़ा विस्तृत वर्णन भी करूँगा, ताकि आप जानकारी से अपडेट रहो। और ये देखो भवन पे सेल्फी लेते हैं लोग, और ये भवन का दृश्य है। ये हम रोपवे से वापसी आ रहे हैं, तो उस समय कैच किया था ये भवन। तो यात्रा वापसी भवन पे आती है, तो अब दोबारा दर्शन करना चाहिए तो दर्शन कर सकते हैं। अद्भुत भवन का नज़ारा है, और वास्तव में ये स्वर्ग में बैठे हैं। यात्रा थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं जितनी हम सोचते हैं। जब यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद एनर्जी ही दूसरी मिल जाती है। तो ये सही गवर्नमेंट ने आप सबके लिए कर रखी है। और ये अद्भुत, ये अब फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी जब हम ऊपर से दर्शन करें, तो इसलिए ये माता का दरबार भवन देख सकते हो।
तो भवन से हम अर्धकुमारी जाएंगे। अर्धकुमारी में ये कहते हैं माता ने 18 मिनट यहाँ साधना की है और इसलिए इसको गर्भगृह भी कहा जाता। इसका मतलब अर्धकुमारी का यह है कि लाइफ में आप एक बार दर्शन कर लो काफ़ी है। तो दूसरा कहानी यहाँ के व्यवहार अर्धकुमारी के बारे में ये थी कि अर्धकुमारी में माता ने रुक के भैरव को मौका दिया था, यही तो उल्टा चला जा, नहीं भैरव आपका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन भैरव तांत्रिक विद्या की घमंड में अभिमान में नहीं रुका तो माता का पीछा करने लगा। जहाँ इष्ट माता का भवन ये नज़र आ रहा है, यहाँ माता ने उसका सिर काटा जो ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर गया तो भैरव के है। और अर्धकुमारी में अगर आपने दर्शन करने हैं तो आप जाते हुए उसकी पर्ची बनाएं, क्योंकि अर्धकुमारी की में ये है कि आपका नंबर लगभग 24 से 36 घंटे में आता है रश टाइम में। वैसे रश कम हो तो आपका जल्दी भी लगता है, लेकिन 24 घंटे आप मान के चलो, यानी जब तक आप माता के भवन के दर्शन करके वापसी आए तो आपका अर्धकुमारी में पर्ची का नंबर लग जाए। तो अर्धकुमारी जाते वक्त पर्ची कटा ले और एक दिन एक्स्ट्रा ले, क्योंकि अगर अर्धकुमारी के अपने दर्शन करने हैं और अर्धकुमारी का दृश्य भी बहुत मनमोहक और आनंदमय है। तो ये भवन के पास का नज़ारा आप दिखा दिया मैंने आपको। तो ये हाल है जहाँ से टिकट बुक होती है और इस प्रकार आप अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हो। और बाणगंगा ये देखो वापसी यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है, लेकिन हमने कोशिश की है कि शाम को और सवेरे ही यात्रा की है ताकि थकावट गर्मी महसूस नहीं। वैसे मौसम बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर भी जब इतनी यात्रा पहाड़ी, क्योंकि हमें आदत नहीं होती तो वो मुश्किल लगती है, लेकिन जब यहाँ आते हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं है। भवन का दृश्य दूर से फिर दिखा रहा हूँ आपको, और आप सबसे अनुरोध है बोलो जय माता दी, सारे मिलके बोलो। वैष्णो देवी माता को दर्शन, और इसको वैष्णो देवी माता जो 108 सिद्धपीठ में आती है तो ये उनमें से एक है, इसलिए इसका महत्व तो बहुत है। उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो ये अब अर्धकुमारी का दृश्य आपको दिखाऊंगा। ये हेलीकॉप्टर सेवा जो यहाँ मैंने पहले बता दिया कि हेलीकॉप्टर से आपको माता नीचे से ऊपर यानी 12 किलोमीटर का आपका सफ़र कट जाता है, तो आप हेलीकॉप्टर सर्विस से आगे आपने भवन से ऊपर रोपवे पे जाना पड़ेगा, आगे हेलीकॉप्टर सर्विस कम है। और तो ये हेलीकॉप्टर आपको नज़ारा देख लिया, 3-4 कंपनी के हेलीकॉप्टर यहाँ बुक हो जाते हैं। तो हर प्रकार की सुविधा, 2 रास्ते हो गए नए रास्ते जहाँ से हम आए, आपने देखा भी होगा कोई कच्चर नहीं है, लेकिन आप दिन में अगर ये लेना है तो दिन का सफ़र आपने करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हो दिन का सफ़र अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो। तो भवन से हम वापसी जाने के वक्त ये हेलीकॉप्टर आता, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ। ये भवन का दूर का दृश्य है। अब हम अर्धकुमारी पहुँचने वाले हैं तो आपको अर्धकुमारी का भी दृश्य दिखाऊँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना मत भूले, और जय माता दी जरूर लिखे, भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो। कोशिश की आपको हर पहलू से अवगत करा सको, फिर भी कोई समा गलती या समा मांगूंगा अगर जानकारी छूट जाए। तो ये अद्भुत नज़ारा पहाड़ियों का आप देख सकते हो और वातावरण का अद्भुत नज़ारा ये फिर आप देख सकते हो, मौसम कितना सुंदर भव्य है। और साथ धार्मिक यात्रा में आत्मिक शांति तो मिलती है, तो इस प्रकार आप अपनी यात्रा पूर्ण जरूर करें। तो जो दर्शन करने के बाद जैसे देखो तो इसकी तरह भव्य है, यह अब हम अर्धकुमारी के करीब पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद मैं आपको ऊपर का दृश्य भी दिखाऊंगा, वहां का लाइन बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए पर्ची एक दिन पहले कटाएं। कम से कम अगर 2 दिन का टाइम लेकर चलेगा तो आपको अर्धकुमारी के दर्शन भी हो जाएंगे। और गर्मी आप टेम्परेचर देख ही सकते हो, पूरा तूफान उफान पे, लेकिन ये शाम का मौसम धीरे धीरे ये अर्धकुमारी के दर्शन आप देख सकते हो। इतने श्रद्धालु अपनी बारी के वेट में, यानी जाते वक्त इन्होंने पर्ची कटाई थी, अब वापसी में ये आप अर्धकुमारी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 24 घंटे से 36 घंटे लग जाते हैं।
जून में तो क्योंकि छुट्टियाँ होती है, सभी परिवार के से दर्शन करने आते हैं। और ये यहाँ से कटरा का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, इतना सुंदर भव्य वातावरण है, ये आप पब्लिक तो देख ही सकते हो। सभी भक्त जन माता की गुफा के दर्शन करने के लिए अर्धकुमारी गए, अपनी बारी के इंतजार में बैठे हैं। मैंने पर्ची कटाई थी लेकिन मेरा नंबर नहीं आने के कारण हमने यात्रा जो अर्धकुमारी के दर्शन की पर्ची थी किसी दोस्त और को दे दी जो रास्ते में श्रद्धालु मिले। तो इस प्रकार अपना टाइमिंग मैनेजमेंट एक दिन कम से कम एक्स्ट्रा ले गए अर्धकुमारी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर मनमोहन दृश्य नीचे का आपको फिर कुछ किया अच्छे से दिखा सकूँ। और यहाँ धार्मिक यात्रा के साथ आपके हिल स्टेशन यात्रा भी पूरी हो जाती है। तो ये भव्य आसमान, कितना सुंदर और क्लीन नीट वातावरण। तो आइए अब आपको अर्धकुमारी का भी दृश्य दिखाता हूँ। तो गुफा भी है यहाँ एक छोटी सी, वो मेन गुफा नहीं है, वो आम रास्ते के लिए बना रखी है। वैसे प्रबंध करने की कोशिश सरकार द्वारा बहुत किए गए हैं, सुविधा भी काफ़ी बताई है पहले से मुकाबले। तो अगर आप काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देख लें। ये देखो ये श्रद्धालु अपने लाइन में इंतज़ार में, ये ऊपर भी लाइन आपको नज़र ही आ रही होगी। तो अभी ये लाइन में जैसे नंबर बुलता है पर्ची का, वैसे वैसे लोग लाइन में अपने बैठ के ये अपनी सभी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मंदिर आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ लिखा हुआ कैमरा। तो ये इस प्रकार दूसरा, जब भवन में दर्शन करने जाइए अर्धकुमारी में, आप पे चमड़े की कोई वस्तु नहीं हो क्योंकि वो सारे लोकर में रख लेना, नहीं आपको दोबारा फिर लोकर में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये दृश्य आप अर्धकुमारी का आपका पूर्ण दिखा रहा हूँ। कितनी पब्लिक है वो सब आपको नज़र आ रही होगी। और ये आगे जो लाइन है जिनका नंबर आ जाता है उसको लाइन में लगा दिया जाता है, बाकी आप अपना बाहर बैठ के बारी का इंतजार करें और वेट करें। तो इस प्रकार दृश्य आप बहुत अद्भुत होता है, बहुत शांत वातावरण है। ये गुफा जो वे था आपको दिखा दिया, ये मेन गुफा नहीं है अर्धकुमारी की, ये बस खाली रास्ते का है वापसी भवन पे और भवन से वापसी अर्धकुमारी का। तो इस प्रकार आपको कोशिश किया और ये दर्शन करके हम भी यहाँ गुफा में से निकले, क्योंकि नंबर नहीं आया। तो अगली बार माता के दर्शन अर्धकुमारी के करूँगा तो वो वीडियो, तो यहाँ देखो कैमरा अलाउड नहीं है और पब्लिक आप देख सकते हो, भक्त जन कितने सुखी और जबकि इतनी लंबी यात्रा करके बहुत थक जाते हैं लेकिन किसी के चेहरे पे आपको थकावट नज़र नहीं आएगी। और ये लगभग आप शाम का, जो मैंने बोला था कि हम शाम को ही चले थे भवन से, तो दिन में हमने वहीं रेस्ट किया भवन पे। और ये शाम का दृश्य है कितना अद्भुत, और ये वृक्ष रास्ते में कितना सुंदर नज़र आ रहा है लाइटों में। तो वीडियो आपको यूजफुल लिखी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, और जय माता जी जरूर लिखे। और वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई जानकारी में कमी रह गई हो तो उसके लिए तय दिल से क्षमा मांगता हूँ, कोशिश की आपको सभी जानकारी पूर्ण दे सकूँ। हाँ ये आप नोट कर ले, दो रास्ते हैं, पुराने रास्ते पे खच्चर वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, नए रास्ते आपने देख ही लिया होगा नीट और क्लीन। आप कहीं भी सड़क पे थकावट महसूस हो जाए, बेंच हर थोड़े थोड़े कदम पर रख रखे, पानी की सुविधा है, चाय पानी आप कोस्टा आपने देनी है पी सकते हो। और ये अद्भुत नज़ारा कैसा लगा माता वैष्णो देवी का, और वीडियो भी बताना जरूर कमेंट में। अगली वीडियो में आपको भाविका देवी का मंदिर है उसकी भी मैं आपको वीडियो दूंगा, वो भी देखना मत भूले। वो भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है और उसका इतिहास भी माता वैष्णो देवी के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि जहाँ फर्स्ट लंगर दिया था वो भाविका देवी का मंदिर है, वो भी काफ़ी नीचे है, मतलब वो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और नीचे जाना पड़ता है। ऐसी वीडियो बहुत कम बताएगा, वो भी काफ़ी प्राचीन, मैं भी यहाँ 5-6 बार सफ़र कर चुका हूँ, उसके बाद भी मुझे किसी एक लोकल व्यक्ति द्वारा बताया गया भाविका देवी का मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है। तो मैंने उस मंदिर में भी गया हूँ।
तो आपको अगली वीडियो में वो भी वीडियो दिखाऊंगा, वो भी ज़रूर देखना। और ये अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हो। अब हम ताराकोट में पहुंच चुके हैं और बोलो सभी जय माता दी। और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूले। कोई सुझाव है तो वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर दे। जय माता।